फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शकरपारे की रेसिपी। आज जो तरीका मैं आपको शकरपारे बनाने का बताऊंगी, उससे शकरपारे अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। आप ट्रेवल कर रहे हो या हो कोई फेस्टिवल या फिर वो शाम की छोटी मोटी भी फ्राई नाश्ते की जरूरत तो होती ही है, और शकरपारे इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए आज हम बनाते हैं शकरपारे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शकरपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप चीनी ले लेंगे। यहाँ पर हम हाफ केजी मैदे से शकरपारे बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कप चीनी ली है जो 250 ग्राम है। और उसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर आधा कप गर्म पानी। पानी अच्छा तेज गर्म होना चाहिए ताकि जो चीनी है वो बढ़िया से घुल जाए। यानी कि हमने एक कप चीनी ली है तो यहाँ पर हम लेंगे आधा कप पानी। यहाँ पर हमें मिक्स करना है पानी और चीनी को। चीनी को अच्छे से पानी में घुल जाना चाहिए, बिल्कुल भी दाने इसके दिखाई नहीं देने चाहिए। देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो मैदा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसका जस्ट डबल कर लीजिए, और अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसे आधा कर लीजिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर आधा कप ऑयल। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे जो शक्कर पारे हैं वो बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। ऑयल को मैदे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से हाथ से चारों तरफ से हमें लेते हुए मिक्स करना है ताकि जो हमारा मोन है वो बहुत अच्छे से पूरे मैदे में चला जाए। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम ये देखेंगे कि इसकी अगर आपके हाथ में ये बंध रहा है इस तरीके से, तो आप समझ जाइए कि जो आपने इसमें मोन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है और अब आपको और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हाफ के जी मैदे में उससे जस्ट आधा ऑयल आप डालते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो बस अब ये चीनी वाला जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा डालकर हम यहाँ पर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने आटा अच्छे से लगा लिया है एकदम सॉफ्ट, और अब हम इसे यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे ही, और उसके बाद बनाएंगे शकरपारे। ये देखिए डो जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए वापस हम इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा ना कि शकरपारे में एक बढ़िया सी लेयर आएगी और वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरीके से हम इस डो को कर लेंगे। और अब हम इस डो को यहाँ पर चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इक्वल चार पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं इसे। तो ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा, और इस तरीके से हम इसे चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक पार्ट इसका और उसे गोल बना लेंगे। इस तरीके से इसका गोल पेड़ा बना लेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। यहाँ पर शकरपारे को हमें ना तो बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत मोटा रखना है, मीडियम हमें रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी थिकनेस आपको कितनी रखनी है। तो इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से इसे गोल बेल लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस की, ये कितना थिक है। आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ये देखिए इतना आपको रखना है। और ये शकरपारा कटने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और बस अब आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर लिया है, आप चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमें इस तरीके से इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप में हम कट कर लेंगे और उसके बाद में हम जो है शकरपारे का शेप देंगे जो कि डायमंड शेप होता है इस तरीके से। यहाँ पर शकरपारे का शेप आप अपने हिसाब से छोटा हो या बड़ा रख सकते हैं, वैसे इतना बड़ा काफ़ी होता है। ये देखिए इतना थिक है ये, और इस तरीके के हम शकरपारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरीके से एक प्लेट में। इसी तरीके से हम सारे शकरपारे बेल कर कट करके तैयार कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, या फिर आप दोनों ही चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं। आप कढ़ाई में ऑयल डाल दीजिए और आप शकरपारे फ्राई करना शुरू कीजिए और दूसरा आप फिर से बेल लीजिए।
अगर आप दोनों तरफ ध्यान दे सकते हैं तो ये काम दोनों साथ साथ बड़े आराम से हो जाते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम किया है और इसे हम बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे पहले, और एक शक्कर पारा देखकर मैं डाल रही हूँ। देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और हम सारे शक्कर पारे इस तरीके से डाल देंगे। और अब यहाँ पर हमारी जो गैस का फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम टू हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कम रखेंगे तो शक्कर पारे सिकने में बहुत वक्त लेंगे और वो कड़क हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखना है। अभी शक्कर पारे को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये अपने आप फूल कर ऊपर आएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और मैं आपको दिखा दूँ ये कैसे फूल गया है। और इस तरीके से आप सारे शक्कर पारों को बिल्कुल आप हल्के हल्के हाथों से हिलाइए, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है अभी, और अगर आपने इन्हें ज़्यादा हिलाया तो ये बिखर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हल्का हल्का हिलाएंगे और धीरे धीरे ये सिकने लगेंगे। ये देखिए शक्कर पारों में यहाँ पर हल्का गोल्डन कलर आने लगा है, और इसे हमें यहाँ पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। तो इसे हम इस लगातार हिलाते हुए इस तरीके से इसे फ्राई करते रहेंगे। और ये देखिए, अब देखिए इनमें कितना बढ़िया कलर आ चुका है। बस हम यहाँ पर 1 से 2 मिनट और इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े और क्रिस्पी हो जाए। केस का फ्लेम आप यहाँ पर अभी मीडियम टू हाई रखिएगा। ये देखिए शक्कर पारों का कलर चेंज होने लगा है, यानी कि ये बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। और अब हमें 1 से 2 मिनट और सेक लेते हैं, थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। अभी आपको ये बहुत सॉफ्ट लगेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडे होंगे वैसे ही ये क्रिस्प होते जाएंगे। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सा कलर अब इसमें आ गया है, और अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। तो अच्छे से तेल को निथारते हुए शक्कर पारों को आप बाहर निकाल लीजिए और किसी प्लेट या थाली में रखिए ताकि इन्हें अच्छे से हवा लगे। इसी तरीके से हम सारे शक्कर पारे डाल लेंगे और उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। शक्कर पारे बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं, और काफ़ी दिनों तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और लीजिए शक्कर पारे बनकर तैयार हैं। देखा, आवाज़ सुनी आपने, ठंडे होने पर ये कितने क्रिस्प हो चुके हैं। और ये देखिए इसकी लेयर देखिए, एक एक लेयर आपको अलग अलग दिखाई देगी, और वो इसी वजह से आया कि हमने बहुत बड़े अमाउंट डाला है और डो को बहुत अच्छे से मसल कर हमने तैयार किया था। ये देखिए एक एक लेयर अलग है, और मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, आप इस तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं शक्कर पारे। उम्मीद है खस्ता और क्रिस्पी शक्कर पारे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आई हो तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।